देखिए, बहुत से लोगों के पैरों में या फिर उनके टखने वाले हिस्से में सूजन बनी रहती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरों में सूजन या फिर स्वेलिंग आने के क्या क्या कारण होते हैं और इसके लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि पैरों में सूजन आने के क्या क्या कारण होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो पैरों में सूजन आने का सबसे मुख्य कारण है फुट और एंकल इंजरी। देखिए, जब भी हमारे पैर में चोट लग जाती है तो हमारा टखने वाला हिस्सा सूज जाता है। तो यदि ऐसा हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, मेडिकल फील्ड में हम इसके इलाज के लिए राइस ड्रम यूज़ करते हैं, RICE, जिसमें R का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि जिस पैर में सूजन है उसे हिलाना नहीं चाहिए, पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए। I मतलब होता है आइस, उसकी बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए, इससे पेशेंट को दर्द में आराम मिल जाता है। C यानी कि कंप्रेशन, सूजन वाले हिस्से को किसी कपड़े या फिर बैंडेज से बांध देना चाहिए। और E4 होता है एलिवेशन, जिस पैर में सूजन है उसे ऊपर उठाकर रखने से सूजन कम हो जाती है। देखिए, पैरों या टांगों में सूजन आने का दूसरा मुख्य कारण है वीनस इनसफिशिएंसी। देखिए, नॉर्मली हमारे टांगों की वेन में कुछ वाल्व पाए जाते हैं जो कि पैरों में आने वाले खून को वापस से हार्ट में भेज देते हैं, पर किसी वजह से जब यह वाल्व काम करना बंद कर देते हैं तो खून हमारे पैरों में इकट्ठा हो जाता है और सूजन आ जाती है। इससे हमारी त्वचा का रंग भी बदल जाता है, वो कुछ ब्राउनिश से कलर की हो जाती है। तो यदि ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, खून पैरों में इकट्ठा ना हो इसके लिए आपको पैरों को ऊपर उठाकर सोना होगा एंड रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी होगी, और ऐसे मरीजों को कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनने की सलाह दी जाती है। पैरों में या टांगों में सूजन आने का तीसरा मुख्य कारण है लीवर डिसीज़। देखिए, हमारे लीवर में एक प्रोटीन बनती है जिसे हम एल्बुमिन कहते हैं। यह एल्बुमिन खून से पानी को बाहर जाने से रोकती है, पर जब हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यह एल्बुमिन नहीं बन पाती, जिससे हमारे खून से पानी निकलकर हमारे टांगों एवं पैरों में इकट्ठा होने लगता है, जिससे वहाँ पर सूजन आ जाती है। इसे सही करने के लिए पहले हमें अपने लीवर को ठीक करना होगा, तभी यहाँ की सूजन ठीक हो पाएगी। पैरों में सूजन आने का चौथा कारण है किडनी डिसीज़। देखिए, हमारे शरीर में किडनी का मुख्य कार्य वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करना होता है, पर जब किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी बॉडी से पानी और वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल पाते और यह पानी हमारी टांगों और पैरों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे वहाँ पर सूजन आ जाती है। इसके अलावा किडनी डिसीज़ होने पर हमारी आँखों के चारों ओर भी सूजन आ जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो यदि ऐसा होता है तो आपको पहले किडनी का इलाज कराना होगा, तभी वहाँ की सूजन खत्म हो पाएगी। पैरों या टांगों में सूजन आने का आखिरी कारण है मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट। देखिए, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट के रूप में हमारे पैरों में सूजन आ जाती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स, NSAID एंड डिप्रेशन की दवाएं। इसके अलावा डायबिटीज़ की दवाएं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से भी हमारे पैरों में सूजन आ जाती है, पर यह सूजन तब तक ही रहती है जब तक कि हम दवा लेते रहते हैं। जैसे ही हम दवा लेना छोड़ देते हैं सूजन चली जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, इसकी जांच के लिए आप 3 तरह के टेस्ट करा सकते हैं, LFT, KFT एंड TFT। LFT की फुल फॉर्म है लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT की फुल फॉर्म है किडनी फंक्शन टेस्ट, एंड TFT मीन्स थायरॉयड फंक्शन टेस्ट, क्योंकि पैरों में सूजन आने के सबसे मुख्य कारण यही होते हैं। तो आप रिपोर्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से अंग में प्रॉब्लम है। यदि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो आपको किसी फिजिशियन या फिर हार्ट के डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।